नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया। धार के सरदारपुर के बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया के खिलाफ भोपाल विशेष न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद वेल सिंह भूरिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल ये पूरा मामला 27 जून 2018 से शुरू हुआ था, जब ग्राम मांगोद में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक विशाल आम सभा को संबोधित किया था। इसी आम सभा के दौरान वेल सिंह भूरिया ने अमझेरा के कांग्रेस नेता नरेंद्र मंडलोई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और इसके चलते नरेंद्र मंडलोई वेल सिंह भूरिया के खिलाफ कोर्ट जाकर मानहानि का दावा लगाया था। इसी मामले में वेल सिंह भूरिया कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके चलते भोपाल के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने वेल सिंह भूरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कांग्रेसी नेता नरेंद्र मंडलोई ने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। उनका कहना है कि इस मामले में वेल सिंह भूरिया की जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने सरदारपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया से बात की तो उनका कहना था कि कोर्ट में किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात रख दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट कैंसिल करके अगली तारीख लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में लंबे समय से ठंडी पड़ी जिले की राजनीति में जरूर हलचल दिखाई दे रही है। 27 मई 2018 को मांगोद में सार्वजनिक मंच पर शासकीय प्रोग्राम के अंदर एक उद्बोधन दिया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में। उन्होंने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया परिवार ने शहीद करवाया है और राजा बख्तार सिंह अमझेरा को मंडलोई परिवार ने अमझेरा ने शहीद कराया है। इसी बात को लेके मैं न्यायालय में शरण गया। पूर्व में मैंने एसपी और कलेक्टर को आवेदन दिया कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम करें, क्योंकि उस समय राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमा कायम नहीं हो पाया। मुझे न्यायालय की शरण लेना पड़ी। मैंने धार कोर्ट में मुकदमा लगाया। चूँकि सांसद और विधायकों के मुकदमे भोपाल कोर्ट में सुने जाते हैं, इसलिए मुकदमा फिर धार भोपाल कोर्ट में लगा और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश श्री सुरेश सिंह द्वारा उस मुकदमे की सुनवाई की गई। वेल सिंह भूरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो गिरफ्तार होंगे। क्या कारण था गिरफ्तारी वारंट जारी? उसने मानहानि की, झूठे आरोप लगाए, इतिहास से तथ्य से विपरीत आरोप लगाए, जो कि मेरे को सामाजिक प्रतिष्ठा मेरी धुलमुल हुई, दोस्तों के बीच में धुलम हुई, 10,000 लोगों के बीच में आरोप लगे हैं। इसलिए स्वाभाविक के आसपास गांव के लोग मुझे अलग दृष्टि से देखने लगे। आप मानेगा तो हम दमदारी से हमारी तरफ से जवाब देंगे। अभी तक न मैंने मेरा कोई जवाब पुटअप किया है न कुछ नहीं। मैंने सिर्फ मेरी बात पर जो प्राइवेट कंप्लेन धारो 500 का परिवारवाद रजिस्टर्ड कराया था माननीय न्यायालय में, उसका जवाब देते हुए मैंने मेरी जमानत करा ली है। आगामी तारीखों में वो कोर्ट में चलेगा प्रकरण, उसमें कोर्ट ट्रायल में हम लोग हमारी तरफ से जवाब देंगे जो उचित रहेगा। नरेंद्र मंडलोई ने आरोप लगाए हैं कि एक जो कार्यक्रम हुआ था उसमें बोला था कि राजा बख्तावर को मारने में मंडलोई परिवार का हाथ रहा। माननीय नरेंद्र मंडलोई जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मेरे बहुत अच्छे आदर्श व्यक्ति है वो, उसे मेरा व्यक्तिगत कोई इंटेंशन नहीं है। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।